सत्यम सत्यम शिवम शिवम सुंदरम सुंदरम सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप सत सत्श्री श्री अकाल अकाल मूरत परम मूरत पिता परमाता परमात्मा परमात्मा की की परम परम प्रिय प्रिय संतान, संतान, प्यारे प्यारे भाइयों भाइयों तथा तथा बहनों, बहनों, आज आज 11 11 नवंबर नवंबर 1989 की मुरली रिवाइज रिवाइज हो हो रही रही है। है। इस इस मुरली मुरली से से पहले पहले यश यश जी को जी को निवेदन निवेदन के के हमें हमें बाबा बाबा की बाबा मधुर मधुर स्मृति स्मृति का का एक एक गीत गीत सुनाएं। सुनाएं। यश यश जी। जी। ओम ओम शांति। शांति। सांसों के तारे तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट की है आना। आनंद रस से अपना अंतकरण भिगो लो, अंतकरण भिगो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। ज्ञानी की ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो, सांसों की तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो सांसों के सांसों के तार 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 में में प्रभु प्रभु प्यार प्यार को को पिरोलो, पिरोलो, शुभ शुभ कर्म कर्म करके करके पुण्य पुण्य का का जीवन जीवन में में बीज बीज बोलो, बोलो, हर हर पल पल उस उस परम परम पिता पिता परमात्मा परमात्मा शिव शिव को को याद याद करना करना है, है, बहुत बहुत प्यार प्यार से से याद याद करना करना है। है, और और ये ये ध्यान ध्यान रखना रखना है है कि कि हमसे हमसे 24 घंटे24 घंटे शुभ शुभ कर्म कर्म हो, हो, कोई कोई भी भी अशुभ अशुभ कर्म कर्म हो हो ना ना हो, हो, पुण्य पुण्य के के कर्म कर्म हो, हो, इनके इनके अगर अगर बीज बीज डालेंगे डालेंगे तो तो फल फल बहुत बहुत सुंदर सुंदर निकलेगा निकलेगा शुभ शुभ कर्म कर्म के के बीच। बीच। आज आज की की मुरली मुरली के के मुख्य मुख्य बिंदु बिंदु हैं हैं आज आज दिव्य दिव्य बुद्धि बुद्धि विधाता, 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 विधाता,
दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। दिव्य आत्मा सभी आत्माओं को दिव्य दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराती है। आगे चल के आत्माएं कहेंगी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, सब कुछ होते भी कहेंगे कुछ और चाहिए, और इसी प्यास से चारों ओर ढूंढेंगी को कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी प्यास बुझा दे। वो दिव्यता की पवित्रता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंचली लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। वो कहाँ पहुंचेंगी? वो आपके पास ही तो पहुंचेंगी। आप दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तन, ये मन, ये धन, तुम तो तीनों के ट्रस्टी हो, तुम्हारा कहाँ है? चेक करो साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे इसी बात में खुश रहते हैं कि हमने तो किसी को दुख नहीं दिया सारा दिन, लेकिन कितनी आत्माओं को सुख दिया, चेक तो ये करना था। दुख नहीं दिया इससे तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा, लेकिन सुख देने से तुम्हारा भविष्य का खाता जमा होता है। तो जो भी संपर्क में आए उसे सुख की अनुभूति होनी चाहिए। इसे कहा जाता है दिव्यता अथवा अलौकिकता। अपने सब खाते चेक करो, तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगा के कितना जमा किया। ये समय जमा करने का है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए अच्छी तरह से जमा करो। वर्तमान का दिव्य संकल्प बोल कर्म भविष्य का खाता जमा करता है। अपने संस्कारों को इजी बनाओ, टाइट ना बनाओ, टफ ना बनाओ, तो हर कार्य में सहज अनुभव होगा। अगर संस्कार तुम्हारे टाइट है तो सर्कमस्टांसेस भी टाइट हो जाते, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं, फिर टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले, ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो, वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। कई लोगों को ये बहुत होता है, ये अच्छा है ये बुरा है, बाबा कहते हैं इन दोनों से अतीत होके चलना है, हर दृश्य को देख के साक्षी होना है, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है। सदैव हर्षित वही रह सकेगा जो कहीं भी आकर्षित नहीं होता है। बच्चों को ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न बनना है, इसी को संपूर्णता कहते हैं। अब बहुत ही भाग्यशाली आत्मा, रोज यही वरदान स्मृति में रखो कि हम प्रभु के समीप हैं, हम संपन्न आत्माएं हैं, हमें स्थिति से समीप बनना है। तुम बच्चों को दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बनना है। दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति, दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव कराना है। अंत में वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देना होगा। मूर्तियों की भी दृष्टि द्वारा, मस्तक द्वारा दिव्य वाइब्रेशंस भक्तों को मिलते। दृष्टि द्वारा शक्ति लेना, दृष्टि द्वारा शक्ति देना, ये अभ्यास करो। बाबा की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। जिसका जमा का खाता जमा नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है, जिनका जमा होता है उनको नशा रहता है, खुशी रहती, खुमारी रहती, किसी भी परिस्थिति में खुशी कायम रहे, हर हाल में खुशहाल। जिनके सर्व संबंध एक बाबा से हैं वो लक्की और सहज योगी। माया को विदाई देने से बाबा से बधाइयां मिलती, बाबा से ब्लेसिंग्स मिल जाती। विशेष संकल्प
विशेष कर्म, विशेष बोल तुम बच्चों के होने चाहिए। अपने को दिव्य आईना ऐसा बना दो, अंडरलाइन, अपने को ऐसा दिव्य आईना बना दो कि आपके आईने में बाबा दिखाई दे, कि आपके आईने में बाबा दिखाई दे, आपके नैनों में बाबा दिखाई, आपके मस्तक में बाबा दिखाई दे, अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बनकर स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। आज का स्लोगन शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, भाव आत्मा का रखो और सबके प्रति शुभ भावना रखो। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।